हेलो हेलो कमेंट सेक्शन ऑन के जी हेलो क्यूज हेलो हेलो सबको प्रणाम है सर नमस्कार है आज रात में मेरा बर्थडे है सब उनको विश करना ठीक ना पाँच तारीख को मेरा बर्थडे है सब उनको विश करेगा जिन नहीं करेगा अगर खून पी जाएंगे दुष्ट दानव सब सब उनको विश करेगा कम्युनिटी में आ, हम पोस्ट करेंगे सब उसको लाइक करना ठीक ना लाए रे हम सर आपको कॉल करते हैं कल सर जो गैसियस थ्योरम में सर ई सर गैसियस थ्योरम अगर आपके पास होगा तो उसमें सर हम बोले थे कल एबीसीडीएम आपका करवा देंगे उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और किसी चैप्टर में सर मिस्टेक नहीं है एकाद दो अगर होगी भी तो हम सर आपको बता देंगे एकाध दो होगा सर देखिए सर हम आपका थ्योरम जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा पता नहीं लास्ट में मटेरियल जोड़े सर और वो चेक नहीं कर पाया और एबीसीडी का इस चैप्टर में ये लास्ट में हमको याद है कि ये चैप्टर हम जोड़े थे क्योंकि तो थ्योरम था नहीं बुक में तो सर ये लास्ट में हम इसको जोड़ दिए थे और मामला यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसके लिए सर हम तहे दिल से सॉरी हैं एक एगारह का आंसर हो जाएगा सी नंबर उसके बाद इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये जो पेज है ना ये लास्ट में ये पेज हम जोड़ दिए थे छह सात क्वेश्चन का उसी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है पंद्रह का आंसर हो जाएगा ए नंबर सोलह का आंसर हो जाएगा सी नंबर सत्रह का आंसर हो जाएगा ए नंबर उसके बाद ये सारा अठारह सही है उन्नीस का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर और बीस इक्कीस सही है बाईस का आंसर हो जाएगा सर ए नंबर करते हैं सर को ये आप सर इसको सुधार लीजिए इसको लिख भी लीजिए और आंसर में ठीक भी कर लीजिए थोड़ा सा सर लास्ट में पांच छह क्वेश्चन जोड़े थे उसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया इसके लिए हम तहे दिल से सॉरी हैं और बाकी सर आपको एकाध दो ही मिल पाएगा नहीं तो नहीं मिलेगा इसलिए सर हम तहे दिल से एकदम हार्टली सर हम इसके लिए सॉरी हैं लास्ट में सर हम जोड़े और हम बोले सर एक बंदे को एक मिला दो आ, अमित नाम का एक लड़का था लेकिन वो मिलाया नहीं और हमको बोला कि हम मिला जबकि वहां गड़बड़ी थे ऑन कीजिए ये सर आप ठीक कर लेंगे हमने बाद बाकी सारा चेक कर दिया है आपको एगारह का आंसर सी होगा पंद्रह का आंसर आ जाइए ए हो जाएगा सोलह का आंसर सी होगा सत्रह का ए होगा अट्ठारह सही है उन्नीस का आंसर बी हो, डी बी होगा फिर आपका बाईस का आंसर ए होगा इसको सर आप मिला लीजिए ऑन कीजिए सर आप मिला लीजिएगा अब आ जाइए सर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं आ, फ्यूल्स में सर पता नहीं कैसे ही, लास्ट चैप्टर हम जोड़े थे पांच क्वेश्चन और यहां पर ये यह चुट्टा जो है गड़बड़ कर दिया फ्यूल्स दैट इज ईंधन फ्यूल्स बोले तो क्या ईंधन आते हैं सर ईंधन में हम ईंधन के बारे में आ, क्या जानते हैं ईंधन क्या कहता है सर एकदम आसानी से हम लोग समझेंगे अगर हम ईंधन की बात करें जो जल कर उष्मा प्रदान करता है उसे हम ईंधन कहते हैं बाकी सब सही है जितना भी आंसर हम लिखे उतने में बदलाव है बाकी सारे आंसर सही हैं आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है इंधन की अगर हम बात करें जो जल कर उष्मा और सर कोई भी बात बीच में नहीं करेगा कोई बीच में कोई बात नहीं करेगा सीधा पढ़ाई करेंगे हम लोग लास्ट का पांच मिनट डाउट क्लियर आपका कर देंगे जो भी किसी भी प्रकार का आपका उल्टा पुलटा काम होगा तो वो हम कर देंगे सर लास्ट पांच मिनट में इंधन सर किसको कहते हैं जो जल कर उष्मा प्रदान करता है उसे हम ईंधन कहते हैं जो जल कर उष्मा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं ईंधन कहते हैं जो जल कर ऊष्मा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं ईंधन जैसे जो जल कर उष्मा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं ईंधन कहते हैं अब ईंधन में लकड़ी हो गया कोयला हो गया एलपीजी हो गया सीएनजी हो गया यह ठोस है द्रव ईंधन होता है ईंधन तीन प्रकार के होते हैं और गैस ईंधन होते हैं ठोस ईंधन में तुम्हारा हो गया लकड़ी कोयला ईंधन में हो गया द्रव ईंधन में हो गया अब तुम्हारा पेट्रोल डीजल ये द्रव ईंधन है और गैस ईंधन की अगर बात करोगे तो एलपीजी सीएनजी जिसमें जिसमें गैस लगा हुआ होगा वो गैस ईंधन होगा अब गौर फरमाइएगा सर कहते हैं वे सभी पदार्थ जो जलकर उसमा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं ईंधन कहते हैं जैसे लकड़ी है कोयला है पेट्रोल है डीजल है एलपीजी है सीएनजी है इस सब में आग लगाइएगा उष्मा प्रदान करेगा ईंधन तीन प्रकार के होते हैं एक ठोस ईंधन एक द्रव ईंधन और तीसरा गैस ईंधन ठोस ईंधन में तुम्हारा लकड़ी है कोयला है कोक है चारकोल है द्रव ईंधन में पेट्रोल जिसको आप गैसोलीन भी कह सकते हैं डीजल हाइड्रोजीन है गैस ईंधन में सब में गैस लगा हुआ है कोल गैस बायोगैस वायु भाप अंगार गैस वायु अंगार ठीक है इसमें आपको मेनली क्या पूछेगा सर इन्हें पूछेगा कि लकड़ी ठोस ईंधन है कि द्रव ईंधन है आपको लेकिन पूछेगा कि हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन एक द्रव ईंधन है इसको ध्यान में रखिएगा सर हाइड्रोजन कौन ईंधन है द्रव ईंधन है अब देखिए एकदम आराम से सर कथा हाइड्रोजन जो है सर हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है सबसे अधिक इससे अधिक ज्वलनशील गैस नहीं है सबसे अधिक ज्वलनशील है सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है। कौन हाइड्रोजन इससे ज्यादा ज्वलनशील गैस पूरे ब्रह्मांड में नहीं तो कहा जा रहा है कि यह भविष्य का ईंधन हो सकता है इसीलिए हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है इस सबसे अधिक ज्वलन से तो सोचो जो तुम एलपीजी एक लीटर में करते हो वो अगर हाइड्रोजन गैस जलाइएगा तो मुश्किल से दस ग्राम में हो जाए जो काम आप एक लीटर एलपीजी में करते हो वो दस ग्राम हाइड्रोजन गैस में हो जाए इसीलिए कहा जा रहा है कि भविष्य में इस पर काम किया जा रहा है और यह भविष्य का ईंधन हो सकता है भविष्य में हम एलपीजी सिलेंडर ना लेके हाइड्रोजन सिलेंडर ले कहता है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं उसके बाद पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल को हम गैसोहोल कहते हैं पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं गैसोहोल पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू व्हाट? गैसोहोल पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू व्हाट गैसोहोल पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहोल कहते हैं और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं और इससे अधिक ज्वलनशील ईंधन नहीं सबसे हल्की गैस भी हाइड्रोजन है चला कहते हैं ध्यान दीजिएगा कोयला की अगर हम बात करें कोयला का नाम सुने हैं कोयला का अगर भंजन करते हैं भंजन मतलब क्रैकिंग क्रैकिंग मतलब तोड़ना अगर कोयला का भंजन यानी क्रैकिंग करते हैं सर तो क्या क्या निकलेगा आपको कोल निकलेगा कोक निकलेगा चारकोल निकलेगा सर कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं क्योंकि यह सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है और पेट्रोल प्लस इथल को गैसोहोल हो कहते हैं और कोयला के भंजन आसवन विधि द्वारा अगर हम तोड़ते हैं तो कोल कोक और चार कोल मिलता है भंजन का मतलब होता है तोड़ना भंजन का मतलब क्या होता है तोड़ना कहता है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहोल कहा जाता है कोयला के भंजन आसवन से कोक कोल गैस अमोनिया कोलतार इत्यादि प्राप्त होता है सर इसमें आपको पूछेगा क्या पूछेगा भविष्य का ईंधन कौन तो कहेंगे हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील ईंधन कौन हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील ईंधन कौन हाइड्रोजन भविष्य का कौन? हाइड्रोजन। पेट्रोल प्लस अल्कोहल बराबर क्या पेट्रोल प्लस अल्कोहल बराबर क्या तो गैसोहोल अब देखिए सर अगर हम कोक की बात करें तो एकदम आराम से सर कोक की बात करें अगर हम इसमें सबसे अधिक कार्बन होता है लगभग 90 से पंचानबे परसेंट अगर हम कोक की बात करें इसमें सबसे अधिक कार्बन होता है सर फ्यूल चैप्टर चल रहा है इसमें सबसे अधिक कार्बन होता है 90 से पंचानबे परसेंट कोक नब्बे से पंचानवे परसेंट कार्बन होता है क्लियर कोक की अगर हम बात करें तो नब्बे से पंचानवे परसेंट कार्बन होता है सर तो लेकिन ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कोक में कितना परसेंट कार्बन होता है नब्बे से पंचानवे परसेंट अब रही बात सर भाप हंगार गैस हाफ अंगार गैस इसी को हम जल गैस कहते हैं हाफ अंगार गैस और जल गैस एक होता है वायु अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस फ्यूल चैप्टर है सर एकदम छोटा सा चैप्टर है प्रोड्यूसर गैस इसमें भी सीओ रहता है इसमें भी सीओ रहता है इसमें खाली सीओ प्लस एच टू होता है अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है हॉल में सीओ प्लस एच टू होता है या सीओ प्लस एन टू होता है लेकिन तुमको याद ही नहीं रहेगा दोनों ऑप्शन में रहता है सीओ प्लस एच टू भी CO सीओ प्लस एन टू भी वहां सर बचना कैसे कार्बन मोनोक्साइड कॉमन है अगर भाप है यहां भाप या जल है और यहां वायु है तो वायु में, में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है इसीलिए नाइट्रोजन होगा वायु में सबसे अधिक कौन नाइट्रोजन के हाइड्रोजन नाइट्रोजन ना अठहत्तर परसेंट वायु में सबसे अधिक कौन नाइट्रोजन कितना परसेंट अठहत्तर परसेंट और भाप में भाप बोले तो जल जल में हाइड्रोजन की नाइट्रोजन एच होता था हाइड्रोजन तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर अगर तुमको कह दे भाप है जल है तो जल है तो ऑब्वियसली उसमें हाइड्रोजन होता है नाइट्रोजन होगा क्या तो नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा भाप या जल है तो हाइड्रोजन हो जाएगा अब वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस है वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस है सर तो वायु है तो उसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक कि नाइट्रोजन सबसे अधिक नाइट्रोजन आंसर यहां हो जाएगा एन टू ठीक है अब देखिएगा सर कहता है कोक में कार्बन की मात्रा अधिक होती है लगभग नब्बे से पंचानबे परसेंट जब लाल तप्त कोक पर वायु की अब देखिए इसको सर इसको लिखते कैसे कहेगा जब लाल तप्त कोक पर भाप है ना तो जल की मात्रा को प्रवाहित किया जाता है तो यह गैस निकलता है और कहेगा जब लाल तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जाती है तो ये निकल धुआं कब निकलेगा पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में वायु रहेगा कम वायु रहेगा ज्यादा धुआं निकले ज्यादा वायु रहेगा तब तक आग लग जाए कहते हैं सर एकदम आराम से जब लाल तप्त तो कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जाती है तो वायु अंगार गैस प्राप्त होता है कहता है वैलिडिटी कब तक रहेगा जब तक तो एग्जाम हो जाता तब तक नहीं हटाएंगे देखो जाय बार मन करता है तय बार देखो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लेकिन पढ़ो कथा जब लाल तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा जब प्रवाहित की जाएगी तो वायु अंगार गैस बनेगा और जब वायु अंगार गैस को ही प्रोड्यूसर गैस कहते हैं जब लाल तप्त हम बोले हैं सर देखिए वायु अंगार गैस को ही प्रोड्यूसर गैस कहते हैं और भाप अंगार गैस को ही जल गैस कहते हैं कथा जब लाल तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जाती है तो वायु अंगार गैस प्राप्त होता है जो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं किसका नाइट्रोजन का क्योंकि वायु अंगार गैस वायु में नाइट्रोजन अधिक होता है और वायु अंगार गैस को ही प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं जब लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित की जाती है तो भाप अंगार गैस प्राप्त होता है जो मुख्यतः सीओ और एच टू का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस को ही जल गैस के नाम से जाना जाता है इतना हम करने का क्या जरूरत था तो अगर जब लाल तप्त कोक पर भाप या जल प्रवाहित किया जाता है तो भाप अंगार गैस बनेगा या जल प्रवाहित करेगा तो भाप अंगार गैस जल प्रवाहित करेंगे तो भाप बनेगा वायु प्रवाहित करेंगे तो वायु अंगार गैस बनेगा जल प्रवाहित करेंगे तो जल गैस बनेगा वायु प्रवाहित करेंगे तो वायु अंगार गैस बनेगा अब ध्यान देना सर अगर यह लाल तप्त कोक है और इस पर भाप प्रवाहित करेंगे अगर यह लाल तप्त कोक है इस पर वायु प्रवाहित करेंगे तो बनेगा एक ये कोक है जो लाल तप्त है लाल तप्त है मतलब अंगार है तो जब लाल तप्त यानी अंगार पर वायु प्रवाहित करेंगे तो वायु अंगार गैस बनेगा और सर जब अंगार यानी लाल तप्त पर जल प्रवाहित करेंगे तो एक गैस निकलेगा जिसको हम जल गैस या भाप अंगार गैस कहें। तो तुमको ये प्रोड्यूसर गैस और जल गैस का ये जो नाम है अलग अलग इसी में डाउट हो जाता है एग्जाम हॉल तो डाउट होता है यहां कि भाप अंगार गैस को प्रोड्यूसर गैस कहें कि जल गैस कहें यही डाउट होता है सर आपको भाप अंगार गैस को जल गैस कहें कि प्रोड्यूसर गैस कहें थोड़ा तो डाउट हो जाता तुम एक लाइन में समझो ना हमरों डाउट होता था हम क्या किए भाप मतलब सर जले से ना जल से ना भाप निकलेगा तो भाप अंगार गैस जल गैस हुआ एक मतलब ये जब बच गया वायु अंगार गैस प्रोड्यूसर गैस होगा भाप से निकलेगा जल से तो भाप अंगार गैस जल गैस होगा वायु अंगार गैस प्रोड्यूसर गैस होगा नेक्स्ट अगला एकदम आराम से कहता है कोल गैस की अगर हम बात करें कोल गैस में हाइड्रोजन सबसे कोक में कार्बन सबसे अधिक होता है नब्बे से परसेंट लेकिन अगर कोल गैस की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे अधिक होता है बावन परसेंट फिफ्टी वन टू फिफ्टी टू परसेंट लकड़ी के भंजन आसवन से चार कोल पायरोग्नियस अम्ल प्राप्त होता है इन्हें पूछेगा लेकिन ये पूछेगा प्राकृतिक गैस में मुख्यता क्या पाया जाता है मुख्यता वाला क्वेश्चन खूब पूछ रहा है सेट पलट के देखना मेरे सेट में भी दिया हुआ है और ई मत सोचना चला गया बुक में तो ये गलती है तो ये वो गलती है वही पांच क्वेश्चन गलती चला गया बाद में हम मैटर जोड़े थे वो पेज इसीलिए वो मिस्टेक हो गया है ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं खाली ए बी का गड़बड़ी है थ्योरी कंप्लीट लिखा हुआ उससे तुम पढ़ोगे और बन जाएगा लेकिन वही इस एडिशन में हम नेक्स्ट एडिशन में वो भी सुधार दिए अब जो बुक आएगी उसमें कंप्लीट वो सुधर के आएगी वो पांच क्वेश्चन लास्ट में हम जोड़े थे वो वो अमितवा को बोले देख लेने के लिए गड़बड़ा दी देखा नहीं बोला हम देख लिए वही एक बी कर दिया है तो इसके लिए हम तहे दिल से माफी चाहेंगे अब गौर फरमाइएगा छोटा सा कमेंट्स मत करो चुपचाप पढ़ो अपने में लड़ने लगता है कहते तो हैं एहसान जी प्राकृतिक गैस जो मुख्यतः में तेरासी परसेंट मीथेन होता है खूब पूछता है इसको हाईलाइट कर लो इसमें सर हम बोले थे केमिस्ट्री में कुछ परसेंटेज होता है जिसको एकदम याद ही रखना पड़ेगा उसका कोई उपाय नहीं मुख्यतः ही पूछेगा अब मिथेन नहीं रहेगा तब इथेन मार देना प्राकृतिक गैस में सर मुख्यतः मिथेन होता है मिथेन नहीं रहेगा तब इथेन मार देना हाँ एक लिख रहा है सब डुप्लीकेट मिल रहा है बुक हर जगह दाम कम में ले लो पढ़ने से ही काम है तीन चैप्टर गायब है चला उसमें फिर हमारा नहीं गरी आएगा जे भी लेगा कोशिश करेगा ओरिजिनल जो हरे कलर की किताब है वही लेगा नहीं तो जाएगा बोरा में आंसरों में आना धुन पेज वहां लगल है वहां लगल तो खोजते रहना फिर ई ओरिजिनल है जो हरे कलर की किताब है और लाल कलर की जो किताब है वो डुप्लीकेट है हल्की सी लाली माँ पता नहीं चलेगा बढ़िया देखोगे तो पता चलेगा लोगे तो खोजते रहना फिर तीन चैप्टर में गायब है आ, किसका आंसर किस पेज में लगल है ए बी सी डी में तो भयानक गड़बड़ी है तो हमारा कहा गरिया ना कहना है फिर गरिया की मिलेगा प्राकृतिक गैस मुख्यतः मिथेन तेरासी परसेंट और इथेन सोलह परसेंट का मिश्रण होता है यह हाइड्रोजन गैस का एक उत्तम स्रोत है पूछेगा, लेकिन पूछेगा प्राकृतिक गैस मुख्यतः कितना परसेंट मिथेन होता है अब देखो जब प्राकृतिक गैस को ध्यान देना सर एक होता है नेचुरल गैस नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस इसी को जब कंप्रेस कर दोगे तब यह हो जाएगा कंप्रेस नेचुरल गैस संपीडित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसी को हम लिखते हैं सी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जब प्राकृतिक गैस को दबा दिया जाता है संपीडित कर दिया जाता है तो कंप्रेस नेचुरल गैस का निर्माण होता है पता है जब प्राकृतिक गैस को अत्यधिक संपीडित कंप्रेस किया जाता है तो सीएनजी प्राप्त होता है जिसका उपयोग वाहनों में प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में किया जाता है वाहनों में प्रदूषण रहित सर सीएनजी देखिएगा दिल्ली में यूज हो रहा है वहां प्रदूषण कम होता है लेकिन सर यहां क्वेश्चन आपको फंसा देगा आपको अगर कहेगा कि सबसे कम प्रदूषण होता है सबसे कम प्रदूषण होता है तो कहेंगे हाइड्रोजन गैस अगर कह देगा उपयोग में लाते हैं और सबसे कम प्रदूषण फैलाता है सबसे कम प्रदूषण फैलाता तो आंसर मार दीजिएगा सीएनजी क्योंकि सर इसका सीएनजी नहीं लग ये करते हैं ध्यान दीजिएगा सबसे कम प्रदूषण होता है हाइड्रोजन में तुमको कहेगा सबसे कम प्रदूषण किस में तो कहेंगे हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन लेकिन उपयोग में लाते हैं और सबसे कम प्रदूषण फैलाता तो कहेंगे सीएनजी क्योंकि हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं पता तो है गौर फरमाइएगा मेरा देखो कल रात में आज बर्थडे है तब उनको जल्दी जल्दी हैप्पी बर्थडे विश करो हम बहुत पीटेंगे जब प्राकृतिक गैस को अत्यधिक संपीडित किया जाता है तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस सीएनजी प्राप्त होता है जिसका उपयोग वाहनों में प्रदूषण रहित प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में किया जाता है इन सबसे कम प्रदूषण अगर कहेगा तो कहेंगे क्या हाइड्रोजन और जो सबसे कम प्रदूषण फैलाए और उपयोग में लाया जाता है तो आंसर होगा सीएनजी नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम गैस नाम तो सुना ही होगा सुना है रे एकदम आराम से अगर हम पेट्रोलियम गैस की बात करें पेट्रोलियम में गैस ना है हेडिंग हाँ पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम गैस इथेन मीथेन, ध्यान देना चला एकदम आराम से हां थैंक यू थैंक यू कहते हैं सर पेट्रोलियम गैस मीथेन इथेन मीथेन और प्रोपेन का मिश्रण है पेट्रोलियम गैस मतलब सर एलपीजी की बात कर रहे हैं हम वैसे पेट्रोलियम गैस ग्यास गैसों के फॉर्म में होता है लेकिन लिक्विड के फॉर्म में होगा लिक्विड के फॉर्म में होगा तो एलपीजी कहेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्रोपेन मीथेन इथेन प्रोपेन का मिश्रण होता है इसमें मुख्य अवयव अगर कहेगा मुख्य अवयव अगर कहेगा तो इसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन होता है मुख्य अवयव मुख्य अवयव कौन होता है सर नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन मुख्य अवयव की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल ब्यूटेन और क्या होता है आइसोब्यूटेन किसके पेट्रोलियम गैस और अगर ये तरल अवस्था में तरल अवस्था में यानी लिक्विड स्टेज में होता है तो इसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं एलपीजी तरल अवस्था में अगर रहेगा तो इसको हम एलपीजी कहते हैं एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है लेकिन इसके गंध के लिए इसमें इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है इसके गंध के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है इथाइल मरकेप्टेन इथाइल मरकेप्टेन किसका यौगिक है तो सल्फर का यौगिक इथाइल मरकेप्टेन जो है सर ये किसका यौगिक है सल्फर का यौगिक एकदम आराम से पार्टी चाहिए पीटेंगे पार्टी के बदले अभी पौ हो इथेन मिथेन और प्रोपेन ये पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन है तरल लिक्विड यानी एलपीजी इथाइल मर्केप्टेन सल्फर का यौगिक है मर्केप्टेन किसका यौगिक है सर सल्फर का यौगिक है इसी के कारण इसमें गंध होता है कहीं कहीं लड़का मिथाइलो मर्केप्टेन लिखल रहता है इथाइल मर्केप्टेन के जगह कहीं कहीं मिथाइल मर्केप्टेन भी रहता है लेकिन आंसर होगा इथाइल मर्केप्टेन। इथाइल मर नहीं रहेगा तो आंसर होगा मिथाइल मर इथाइल नहीं रहेगा ना तब सेकंड आंसर मी म मिथाइल मर हो अब देखो सर कहते हैं पेट्रोलियम गैस यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है इसका अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है यह द्रव के रूप में होता है जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है सर कोई भी गैस अगर पात्र में सिलेंडर में भरा होगा तो वह द्रव अवस्था में होगा इसका प्रॉपर ध्यान रखें कोई भी कोई भी गैस अगर द्रव अवस्था में होगा हमेशा सिलेंडर में भरा जाएगा तो वो लिक्विड स्टेज में होगा इसलिए देखना तुम एलपीजी वाला सिलेंडर सही लगेगा पानी है अंदर लिक्विड टाइप का तुमको फील होगा वो बाहर आएगा तो गैस बन जाएगा तो कोई भी गैस अगर सिलेंडर में भरा होगा तो किस अवस्था में होगा लिक्विड लिक्विड नहीं रहता ऑप्शन में तरल रहता तरल का मतलब लिक्विड होता है ठीक है पता है ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं एलपीजी एक रंगहीन है इसमें कोई रंग नहीं होता यह गंधहीन है तथा तो अति ज्वलनशील गैस है तो सब जानता है खूब जलता है लेकिन दुर्घटना इत्यादि से बचा चुकी सर गंध नहीं होगा तो सर खोल देगी आपकी बीवी तो पता कैसे चलेगा कि गैस लीक कर रहा है और हम गंधे नहीं है लगा देगी ऐसे लग जाएगा वैसे मामला हो जाए तो गढ़ पर इसीलिए सर जैरा में गंध होता है इसमें गंध डालना जरूरी है ताकि थोड़ा सा भी खुले तो आपको पता चले कि गैस खुल गया है इसमें गंध दुर्घटना से बचने के लिए गंध डालना जरूरी है इसीलिए इसमें इथाइल कैप्टन डाला जाता है अगर इथाइल कैप्टन नहीं डाला जाए ना जो गैस तुमको साठ रुपए लीटर मिल रहा है या मिलेगा वो गैस तुमको मुश्किल से चौबीस रुपए लीटर मिलेगा लेकिन तो गंध डालना जरूरी है ना दुर्घटना घटित हो जाएगी लेकिन दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक इथाइल सी C2H5SH मिला दिया जाता है जिससे इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है अब एलपीजी कौन लॉ के साथ जलता है रे? नीला होता है कि पीला बैलून में नहीं बताए रे, बैलून में कौन गैस होगा हाइड्रोजन होगा कि हीलियम, हीलियम। हाइड्रोजन अति हो कहीं नहीं भरते हैं बताए थे याद करो एलपीजी नीले लॉ के साथ जलता है यह पात्र में द्रव अवस्था में रहता है नीला लॉ नहीं होता है अगर आग लगाते हो तो एलपीजी किस लॉ के साथ जलता है नीला लॉ के साथ जलता है पात्र में किस अवस्था में होता? होता है द्रव अवस्था में होता है इथिन मर नहीं इथाइल मर इथिन लिखल है छोटा इथाइल लिखल है अब देखो अंजाम होगा अभी तो तुम का रॉकेट रॉकेट के ईंधन को नोदक या प्रनोदक कहते हैं तमका तो होगा रॉकेट के ईंधन को क्या कहते हैं नोदक या प्रनोदक ये दो प्रकार के होते हैं एक ठोस एक द्रव ठोस के एग्जाम्पल हैं इसके ईंधन दो प्रकार के ठोस और द्रव हायोकॉल ऑलिब और द्रव ईंधन की अगर बात करोगे इसमें मेनली हम हाइड्रोजीन यूज करते हैं मेनली इसको कहते हैं यही मेनली पूछता है और मेनली पूछता है रॉकेट के ईंधन को क्या कहते हैं नोदक या प्रणोदक पार्टी लेगा दानवी सेना पार्टी देगा रे तुम तो मेरा बर्थडे तो हमको ना पार्टी देगा कहते देखो रॉकेट के ईंधन को नोदक या प्रणोदक कहा जाता है या दो प्रकार का होता है एक ठोस प्रणोदक एक द्रव प्रणोदक ठोस में थायोकॉल पॉलिब है द्रव प्रणोदक में हाइड्रोजीन है किरोसिन है द्रव हाइड्रोजन है ये द्रव प्रणोदक है उमियामानष्म मान उश्मिया मान सर द्रव प्रणोदक गुना ठोस प्रणोदक दोनों को गुना कर दोगे तो दो मान आएगा कभी नहीं पूछेगा लेकिन सर यह पूछेगा सबसे अधिक मान हम बता चुके हैं हाइड्रोजन का होता है क्योंकि इसको जलाने के बाद बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है अभी तुम्हारा माइंड सीधा कंसंट्रेट होना चाहिए पढ़ाई पे चला सामने मंजिल है पाले दुनिया कहते हैं सबसे अधिक मान हाइड्रोजन गैस का होता है सबसे अधिक उसमें मान किसका होता है हाइड्रोजन गैस का सबसे अधिक उसमें मान किसका हिमत समझना नहीं लग रहा है हाइड्रोजन गैस का पता है तुमको पूछेगा हाइड्रोजन क्या है तो कहेंगे द्रव प्रणोदक यो नहीं पूछेगा जरूर पूछेगा कि इंजन ईंधन रॉकेट के ईंधन को क्या कहते हैं रॉकेट या प्रणोदक या या प्र आई आईने पूछेगा दी जरूर पूछेगा सबसे अधिक उसमें किसका होता है हाइड्रोजन अब आते हैं चला जीवाश्म ईंधन जीवाश्म मतलब सर मिट्टी के अंदर से जो जीवों से के सड़ने गलने से पेड़ पौधों के सड़ने गलने से जो ईंधन मिलता जीवों के सड़ने से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं अब इसका एग्जाम्पल पहले हो गया तो हर कोयला

कोयला सर चार प्रकार के होते हैं एक होता है एंथ्रासाइट एक होता है लिग्नाइट या बिटुमिनस और एक होता है लिग्नाइट और एक होता है सर पीट कोई ध्यान दीजिएगा अभी तो मोहब्बत का गा। एकदम आराम से चला हमने क्या कहा तुमको ये पानी लाया है जी एंथ्रासाइट टूमिनस लिगनाइट और पीट कोयला सबसे अधिक कार्बन का परसेंटेज होता है इसमें एंथ्रासाइट में नब्बे टू पंचानबे परसेंट कार्बन और सबसे कम कोयला कार्बन होता है पीट कोयला में सबसे कम कार्बन किसमें होता है सर पीट कोयला में इसमें होता है अट्ठासी से पचासी परसेंट पचासी से अट्ठासी परसेंट कार्बन या अट्ठासी टू पचासी परसेंट कार्बन लिगनाइट की अगर बात करोगे ये लगभग पचहत्तर परसेंट कार्बन होता है और पीट कोयला की अगर बात करोगे सर तो ये पचास से साठ परसेंट होता है ये परसेंटेज आपने रट्टा मत मारने लगना हाली तुमको ये जानना है कि सबसे अधिक कोयला जो है ना वो एंथ्रासाइट में होता है नब्बे से पंचानवे परसेंट बिटुमिनस में अठासी से पचासी परसेंट पचासी से अठासी भी कर सकता है लिग्नाइट में पचहत्तर परसेंट और पीट में सबसे कम कार्बन होता है सबसे घटिया कोटी का कोयला यही होता है क्योंकि जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होगा वो सबसे घटिया होगा इसको हम पीट कोयला कहते हैं ध्यान दीजिएगा टेस्ट के बारे में मेरे टेलीग्राम पे कौन शेयर कर क्या? अच्छा जो लोग सर इस अगल बगल में बाजार समिति अगल बगल में है और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो छह बजे आप आमंत्रित हैं तीस चालीस पचास की संख्या में आप आ सकते हैं जो हमारा एनटीपीसी का सेट आया है उसका हम टेस्ट ले रहे हैं बच्चों से और उनका रिव्यू लेके और तब सर हम सर उसको लाएंगे ऐसा नहीं कुछ कर दिया कुछ टिक टिका दिए कुछ ले आए तब तक यहाँ नहीं लगेगा हम सर उसके टेस्ट के लिए जो भी बाजार समिति मेरा घर अगर आप देखे हैं तो आप आइए नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं ठीक ना हम तो लोकेशन भी नहीं बताएंगे आपको जो मेरा घर देखे हैं, सर वेलकम टू माय होम देखो ते हैं एंथ्रासाइड में 90 से पंचानवे परसेंट कार्बन बीटोमिनस में अस्सी 88 से पचासी परसेंट लिगनाइट में 75 परसेंट पीट में 50 से 60 परसेंट ये जो बीटोमिनस है ना सर इसी को हम डामर कोयला भी कहते हैं इसी को हम घरेलू कोयला भी कहते हैं सबसे उच्च कोटि का कोयला सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है वो कौन है वो है एंथ्रासाइड और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है वो है पीठ कोयला क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है इसको सर हम घर में उपयोग करते हैं डामर या घरेलू कोयला कहते हैं विटोमिनस अब दीजिए पटना में ऑफलाइन है मेरे रूम पे सर आएंगे और हम आपकी सेवा करेंगे जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स छह बजे अभी अभियो नहीं आ जाना है कोयला ज भर ऐसा नहीं कल लो कल भी है आज और कल दोनों दिन है आज और कल दोनों दिन है पचास से साठ की संख्या में आप पहुंच सकते हैं आपके लिए बेंच टेबल लगा हुआ है लेकिन आपको मेरा घर छ जाना चाहिए बाजार समिति केला मंडी के पीछे एंथरा साइड यह सबसे श्रेष्ठ कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है लगभग नब्बे से पंचानवे परसेंट तक बिटुमिनस की बात करोगे इसे डामर कोयला या मुलायम कोयला या घरेलू कोयला कहते हैं या दूसरा सबसे अच्छा कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा लगभग अट्ठासी से पचासी परसेंट तक होती है या यूं कहें पचासी से अट्ठासी परसेंट तक ठीक है या दूसरा सबसे अच्छा कोयला लिगनाइट या भूरा कोयला इसमें कार्बन की मात्रा पचहत्तर परसेंट तक होती है पीट कोयला यह सबसे घटिया कोयला है ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है इसमें वास्तवशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है इसमें कार्बन लगभग पचास से साठ परसेंट तक होता है अब देखो ये तुमको याद ही नहीं रहेगा ऑर्डर में कौन कौन सबसे कौन सबसे घटिया बढ़िया हम याद करने का जुगाड़ बताते कभी कभी ऑर्डर पूछ देता है देखो ए से स्टार्ट होता है बिटुमिनस बी, बी से स्टार्ट होता है लिग्नाइट एल से स्टार्ट होता है पीट पी से शुरू होता है तुम देखो ऑर्डर में है ए बी सी डी सबसे अच्छा है ए पहले ए होता है उसके बाद बी होता है उसके बाद एल होता है उसके बाद पी होता है सबसे अच्छा है, उससे खराब है बिटुमिनस उससे खराब है लिग्नाइट सबसे खराब है पीट ये ऑर्डर होता है एहसान तुम आ ही जाओ सबसे खराब हम भी तुमसे मिलना चाहते हैं सबसे अच्छा है सर एंथ्रासाइट फिर बिटुमिनस फिर लिग्नाइट फिर पीट। सबसे घटिया है पीट कोइन अब देखो लिख लो कार्बन का प्रतिशत भी अगर कहेगा ना कार्बन का प्रतिशत अगर कहेगा तो सबसे बढ़िया है एंथ्रासाइट उससे खराब है बिटुमिनस उससे खराब है लिग्नाइट सबसे खराब है पीट। आज पार्टियों है बर्थडे वाला मारेंगे कि अब आते हैं सर पेट्रोलियम पर पेट्रोलियम की अगर हम बात करें सर पेट्रोलियम क्या है पेट्रोलियम इस पर होता है पेट्रो और ओलियम पेट्रो और ऑलियम पेट्रो का मतलब होता है चट्टान ओलियम का मतलब होता है तेल चट्टान का तेल इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम पेट्रो ऑलियम चट्टान का तेल चट्टान का तेल पेट्रो और ओलियम बराबर पेट्रोलियम पेट्रो मतलब चट्टान ओलियम मतलब तेल चट्टान का तेल चट्टान का क्या तेल को हम पेट्रोलियम कहते हैं अब ध्यान दें पेट्रोलियम को हम सर कच्चा सोना भी कहते हैं या इसी को द्रव सोना भी कहते हैं पेट्रोलियम को सर हम कच्चा सोना या द्रव सोना कहते हैं पेट्रोलियम को सर कच्चा सोना या द्रव सोना कहते हैं ठीक है कच्चा सोना या द्रव सोना आर के सुमन के गली में टेलीग्राम पे लोकेशन दिया हुआ है बट भाई मेरे छ बजे तक ऊपर में बोल दो प्रिंट निकाल देना तो जाना बोल देना तो मैक्सिमम। पेट्रोलियम बोले तो कच्चा सोना या द्रव सोना आर के सुमन के बगल वाले गली में अब क्लास छोड़ के लंबा में दौड़ मन जाना हाँ ज्वाइनिंग लेने के बाद भी आना है ज्वाइनिंग लेने के बाद हम तेरा पास पहुंचेंगे तुम बड़ा आदमी बन जाएगा तुम मेरे पास थोड़े आएगा अब देखो कहते हैं एक लाइन हमेशा तुमको अब याद करो जैया तुम कुंवर था मतलब तो तेरा केमिस्ट्री में कुछ आता तैयार बताए थे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है और पेट्रोलियम से पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल कीरोसिन आदि को अलग करना प्रभाजी आसवन विधि द्वारा संभव हो पाया है किस विधि द्वारा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा संभव हो पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल किरोसिन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है इसे द्रव सोना या कच्चा तेल या धात्विक तेल कहते हैं एक अशुद्ध पदार्थ है जिसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध करके अनेक प्रभाजों जैसे डीजल पेट्रोल किरोसिन इत्यादि में बांटा दिया जाता है डीजल पेट्रोल किरोसिन इत्यादि में बांट दिया जाता है इसको पेट्रोलियम सर पूछता है पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा सर उनके प्रभाजों में बांटा जाता है प्रभाजी आसमान हाईलाइट कर लेना इसको द्रव सोना कहते हैं यह भी हाईलाइट कर लेना कच्चा तेल या धात्विक पूछता है लेकिन हाईलाइट कर लेना इसको हम द्रव सोना कहते हैं अब देखो ईंधन का उसमी अमान कुछ नहीं है सर एक ग्राम ईंधन के एक ग्राम कितना ग्राम एक ग्राम ईंधन को जलाने के लिए को जलाने के लिए या जलाने के बाद एक ग्राम ईंधन को जलाने के बाद जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं एक ग्राम ईंधन को जलाने के बाद जो उष्मा प्राप्त होती है उसे हम ईंधन का मान कहते हैं। एक ग्राम सबसे अधिक मान किसका है हाइड्रोजन गैस का कहते हैं ईंधन का मान कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स किसी ईंधन के एक ग्राम को पूर्ण रूप से जलाने पर उषमा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है वही उस ईंधन का उष्मिया मान कहलाता है और हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है 150 किलो जूल किलोजूल पर ग्राम हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है कितना 150 किलो जूल किलोजूल पर ग्राम ध्यान दीजिएगा कहते तो हैं हाइड्रोजन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है लगभग 150 किलो जूल पर ग्राम एक ग्राम को जलाने में जितनी उष्मा खर्च होती है सर एक ग्राम को जलाने के बाद जितनी उष्मा प्राप्त होती है उसे ईंधन का मान कहते हैं एक ग्राम को जलाने के बाद उस जितनी उषमा प्राप्त होती है उसे ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं कैलोरेसिक वैल्यू कहते हैं कभी कभी इंग्लिश से वाला टर्म को हिंदी में लिख देता है कैलोरेसिक वैल्यू इसलिए हमें इंग्लिश में लिख दिए सबसे अधिक उष्मियामान हाइड्रोजन गैस का होता है 150 किलो जूल पर ग्राम कितना सर 150 किलो जूल किलोजूल पर ग्राम अब देखो एक उदा चला अपस्फोटन अपस्फोटन और ऑक्टेन और सीटन नंबर हम लोग कल पढ़ लेंगे अभी हम लोग सर दहन पढ़ लेते हैं दहन क्या है बस दो टॉपिक हम छोड़े हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग अभी लास्ट टाइम इसको पढ़ लेंगे फिर उसको कल पढ़ लेंगे कंबशन, कम्बसन किसी ईंधन को उच्चता कहते हैं किसी अगर दहन होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता अगर दहन होगा किसकी उपस्थिति में होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता ठीक है अगर दहन होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ताप देने पर जिसमें दहन जिसमें गर्मी देने पर आग लग जाए सर उसे हम दहन कहते हैं कहता है अब दहन की प्रक्रिया में होता क्या है सर जैसे पेट्रोल में आग लगा दो वह रासायनिक पेट्रोल रसायन है वो उष्मा में बदल जाए तो दहन की प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल दिया जाता है पेट्रोल ऐसा रासायनिक ऊर्जा उसको उष्मा ऊर्जा में बदल दिया जाता है किसी ईंधन तथा ऑक्सीजन के मध्य उच्च ताप पर संबंध देखो किसी ईंधन तथा ऑक्सीजन के मध्य उच्च ताप पर संपन्न वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ईंधन के जलने पर उष्मा उत्पन्न होती है दहन कहलाती है दहन की प्रक्रिया में ईंधन रासायनिक ऊर्जा ऊषमीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है तो जब भी दहन होगा जब भी दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा जब भी दान होगा किसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर पेट्रोल में सर डीजल में आग लगा दोगे तो वो रासायनिक ऊर्जा वो किस किसमें बदल जाए? रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाए, बदल जाए? तो कहेंगे सर उषमा ऊर्जा में दहन के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा उषमा ऊर्जा में बदल जाती है अब द, दहन एवं गैर दहनशील पदार्थ दहन एवं गैर दहनशील पदार्थ कम्बेसेबल एंड नॉन कम्बेबल मटेरियल सर जो जलेगा वो दहनशील है जो नहीं जलेगा वो दहनशील है ये तो एकदम नॉर्मल है पानी में आग नहीं लगता है अब जवानी है तो लगा दो अलग बात है लेकिन पानी में लगता नहीं है तो वो अदहनशील है लोहा में आग नहीं लगता है अदहनशील है अरे ियम में आग नहीं लगता दहनशील कहता है ऐसे प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ जो आग एवं ऑक्सीजन संपर्क में आने पर स्वयं जलते हैं आग खाली ऑक्सीजन रहेगा तो नहीं जलेगा ना आगुन लगना लगाना पड़ेगा स्वयं जलते हैं किसी अन्य पदार्थ के दहन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं दहनशील पदार्थ कहलाते स्वयं जलते हैं किसी अन्य को जला देते हैं तो दहनशील कहलाते हैं एग्जाम्पल में लकड़ी कागज कोयला पेट्रोलियम आदि इसके विपरीत वे पदार्थ जो किसी भी प्रकार से ना तो स्वयं जलते हैं और न ही दहन की प्रक्रिया में सहायक सहायक होते हैं गैर दहनशील पदार्थ कहलाते हैं उदाहरण पानी आग नहीं लगेगा लोहा पत्थर मिट्टी रेत इत्यादि दहन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं जेरा में आग लग जाएगा जलने लगेगा वो दहनशील जक्र में आग नहीं लगा सकते वो अदहनशील या गैर दहनशील अब कहता दहन तीन प्रकार के तीव्र दहन मंद दहन स्वतः दहन ठीक है अब ध्यान देना सर तीव्र दहन मतलब पेट्रोल दिया फक से आग लग गया मंद दहन मतलब श्वसन श्वसन एक मंद दहन ही पूछता है उनको कहेगा श्वसन क्या है तो कहेंगे मंद दहन है तो समय ऐसा होता आग लग गया नहीं एक वारवानल जनरेट होता है जिसके कारण खाना पचता है वो मंद दहन और स्वतः दहन मतलब अपने आप आग लग गया स्वतः दहन को सर स्वतः दहन मतलब क्या अपने आप आग लग जाएगा ऐसा बहुत सारा चीज है जो अपने आप आग लगता है हम आपको बोले थे सोडियम उसको सर रख दीजिए हवा में आग लग जाएगा फॉस्फोरस हड्डी में पाया जाता है उसको हवा, हवा में रख लीजिए आग लग जाएगा तीव्र धन में आ गया तुम्हारा पेट्रोल डीजल मंद दहन में आ गया आपका श्वसन और स्वतः दहन में आ गया आपका फॉस्फोरस सोडियम ये सब अपने दहने जलने लगता है तो कहता है तीव्र दहन रैपिड कंबशन। इस प्रक्रिया में ईंधन बहुत कम समय में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है मंद दहन इस प्रक्रिया में ईंधन की दहन दर या दहन का वेग बहुत कम होता है इसका एग्जाम्पल जरूर लिख लो एगो श्वसन श्वसन एक मंद दहन है लिख लो इसका नंबर ले अब देखो ऑटो कंबशन इस प्रक्रिया में कुछ विशिष्ट ईंधन सामान्य ताप पर स्वतः जलने लगते हैं स्वतःन में सर कुछ विशिष्ट ताप पर वो अपने जलने लगा जैसे फास्फोरस सोडियम जैसे फास्फोरस और क्या सोडियम तथा है उष्मा छेपी अभिक्रिया उष्मा के पह, पहले पॉजिटिव साइन का प्रयोग किया जाता है अगर हम उसमें छेपी मतलब उसमें देगा तो पॉजिटिव और उसमें सोसी मतलब उसमें लेगा तो जे तो निगेटिव तो उसमें छेपी हम तुमको पढ़ा आ, पढ़ा चुके हैं सर उसमें छेपी होगा तो पॉजिटिव साइन और उसमें सोसी मतलब लेगा तो निगेटिव साइन अब ध्यान देना जितना भी दहन है बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा तो दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है लेकिन सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया दहन नहीं है जैसे अगर सर आयरन है और इसमें ऑक्सीजन जुट जाता है और जंग का निर्माण कर देता है तो क्या यह दहन है या आग लगना है यह ऑक्सीकरण है ऑक्सीकरण तो है लेकिन यह दहन नहीं है लेकिन अगर कहीं पर श्वसन एक मंद दहन है तो वह दहन भी है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीकरण इसका मतलब जो ऑक्सीकरण है जरूरी नहीं कि वह दहन ही होगा यह जंग का फॉर्मूला है सर आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जल की उपस्थिति में फॉर्मूला है ये दहन नहीं है लेकिन ऑक्सीकरण है क्योंकि ऑक्सीजन एड हुआ है तो जितनी भी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं जरूरी नहीं कि वो दहन है लेकिन जितनी भी दहन अभिक्रिया है बिना ऑक्सीजन के नहीं आ रहा है कि जा रहा है सभी ऑक्सीकरण देखो ऑक्सीजन जुटा है जंग लगा है, लेकिन आग नहीं लगा ऑक्सीकरण तो, तो है लेकिन दहन नहीं लेकिन अगर श्वसन है तो वो दहन है साथ साथ ऑक्सीजन तो होवे करेगा बिना ऑक्सीजन के जलेगा कैसे तो ऑक्सीकरण पाता है सभी दहन की क्रिया ऑक्सीकरण होती है लेकिन सभी दहन जो है वो ऑक्सीकरण होगा बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगेगा लेकिन सभी ऑक्सीकरण जैसे जंग लगना ऑक्सीकरण है लेकिन वो दहन नहीं है सभी ऑक्सीकरण की क्रिया दहन नहीं है अब देखो श्वसन क्या है मंद दहन हम बताए हैं आपको श्वसन मंद दहन का उदाहरण हमको लगा था छूट गया है लेकिन सर छूटा नहीं है श्वसन एक मंद धन का उदाहरण है श्वसन में क्या होता है सर ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीजन लेते हैं ये ऑक्सीकरण है और ये भी है उसमें प्रदान निकलता है तब तो खाने का पाचन होता है कहते हैं यह एक उष्मा छेपी यह मतलब श्वसन एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है चूंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए हम कहेंगे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया अब ध्यान दीजिएगा सर एक लिस्ट हम बना दिए हैं तुम लोगों के जान है तुम ये पूछता है घिना घिना के तो सब जनता नॉकिंग एजेंट है आवाज नहीं होने देता है इंजन में डालते हैं सर लेड तेल के साथ जो टुट्टी डालता था पहले मोपेड वगैरह में वो क्या करता था आवाज कम करता था अब तो डाल ले आता है पेट्रोल सर पूछता है हम लिस्ट बना दिए एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है ईंधन में सबसे अधिक मिथेन यूज करते हैं हम सीएनजी का मुख्य घटक सर मिथेन। यहां तुम एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन ईंधन में मुख्यतः मिथेन यूज करते हैं ईंधन में मुख्यतः पाए जाते हैं मिथेन और सीएनजी का मुख्य घटक भी मिथेन है तीन गो क्वेश्चन खास करके ये दोनों तो खूब पूछता है एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन या तुम बायोगैस का भी कह सकता है बायो यहीं पर इसके ब्रैकेट में लिख लो बायोगैस का मुख्य घटक भी मिथेन बायोगैस का मुख्य घटक क्या है रही? मिथेन ये पूछवे ठो करता है हाँ सर कुछ काम क्यों नहीं मिलेगा विकास जी अभी तो सर समझिए कि लगभग लग, सोलह लग गो स्टाफ आप लोगों के आशीर्वाद से काम कर रहा है सर आपके लिए कि आपको कुछ तो हेल्प हम करें हाँ सब जगह मुंबई में भी पहुंच जाएगा सर सिकंदर पंडित जी एलपीजी ब्यूटेन ईंधन या बायोगैस में और सीएनजी मिथेन हां सीएनजी मिथेन हमने क्या कहा श्वसन दहन क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लग जाएगा दहन है जो जलेगा वो दहनशील है जो नहीं जलेगा गैर दहनशील है दहन तीन प्रकार के तीव्र जो जल्दी जलेगा मंद जो धीरे धीरे जलेगा जैसे श्वसन स्वतः जैसे सोडियम और फॉस्फोरस कैलोरफिक वैल्यू एक ग्राम ईंधन जलने के बाद जो उसमें प्रदान करता है उसे हम कैलोरफिक वैल्यू कहते हैं उसमें है। एक ग्राम ईंधन के जलने के बाद जो उसमें प्राप्त होता है उसे हम उसमीय मान कहते हैं ईंधन का ठीक है थैंक यू वेरी मच आप सर जल्दी जल्दी बोल दीजिए क्या क्या मामला है जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया पीछे भी पढ़ाए हैं सर प्रोपेन नहीं होगा सर वेस्ट बंगाल मिल जाएगा हाँ सब जगह मिल जाएगा सर